हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा मोटर शेयर के बारे में। पिछले हफ्ते की अगर बात करें, यानी कि जो अभी अभी वीक निकला है, इसमें शेयर में गिरावट देखने को मिली है आपको अप्रोक्स 11% तक की। यानी कि शेयर एक हफ्ते में 11% के नेगेटिव रिटर्न के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखाए। करंट मार्केट प्राइस की बात करें फ्राइडे के सेशन की, मतलब जहां पे क्लोजिंग देते हुए दिखाए, तो 306 के लेवल्स पे। ऐसे में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा इस शेयर में हायर लेवल्स पे लगा हुआ है। इनफैक्ट काफी ज्यादा हायर लेवल्स, जैसे कि 340-350 के लेवल्स पे, क्योंकि शेयर पिछले कुछ दिनों से 3 महीने से वहीं ट्रेड कर रहा था। अचानक से गाइडेंस आउटलुक बुरा होने के कारण शेयर एक दिन में 5-10% के करीब इनफैक्ट करेक्ट हुआ था, और हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 15%। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या SL और क्या टारगेट हो सकते हैं, सारी बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, शेयर इतना ज्यादा गिर गया, इनफैक्ट ग्रीड काफी ज्यादा लालची हो गए हैं लोग, इसको सोच रहे हैं कि काफी लोअर लेवल्स मिल रहा है, बाय करना चाहिए, तो उनके लिए मेरी क्या सलाह है। देखो गाइस, इस शेयर में अभी 2 क्रूशियल लेवल हो चुके हैं। पहला 310 था, जिसके नीचे शेयर क्लोजिंग देते हुए दिखाया मैं। इनफैक्ट पूरे दिन ट्रेड भी इसने नीचे की लेवल पे करा। ऊपर की बात करें तो 308.9 का हाई था जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ फ्राइडे के सेशन में, और 310 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखा, 306 पे बंद हुआ। यानी कि पहला सपोर्ट तो टूट गया है बुरी तरह। अभी जो मेन और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 288 पे। देखो गाइस, शेयर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, आपको नए नए सपोर्ट मिलते जाएंगे। अभी मैं 298 कह रहा हूँ, 289 सॉरी, अभी जब ये 320 पे था तो मेरे लिए 300 का सपोर्ट था। यही मार्केट की राजनीति है, यही मार्केट है। अभी जैसे जैसे शेयर ऊपर आएगा, 315 पे आएगा तो आपसे कहेंगे 320 के ऊपर भागेगा, 320 पे आएगा तो आपसे कहेंगे 330 के ऊपर भागेगा। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सपोर्ट और बहुत रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट नहीं होता है। बस एक लेवल होता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग बैठी होती है, तो उसे हम एक तरीके से देख लेते हैं। जैसे अगर तेजी से नीचे गिरता है तो वो लोग काटते हैं, जिसके काटने के चक्कर में पोजिशन नीचे आती है। ये एक बात आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए, जो मैंने कहा कि ऐसे कोई भी सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर वैसे देखोगे तो हर लेवल पे एक नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस। अभी 306 पे है तो मेरे लिए 300 का अब सपोर्ट रहा ही नहीं, बट फिर भी यहाँ 300 के नीचे जब तक नहीं जाता तो ऊपर बाउंस बैक दे सकता है। आप रिस्की हैं तो आप 300 के सपोर्ट के SL के साथ, मतलब SL के साथ स्टॉप लॉस के साथ बाय करके जा सकते हैं, कहां तक, 315-320 के टारगेट्स के लिए। गाइस, अभी बात करते हैं जो थोड़े से ऊपर के लेवल पे बाइंग कर रखी है जिसने, और उसको क्या लगता है। देखो, ब्रोकरेज हाउसेस इतना गिरने के बाद भी काफी ज्यादा बुलिश है शेयर पे। उनका मानना है शेयर 450-400 तक के लेवल आने वाले समय में दिखाएगा, तो वहां से तो आपको हिम्मत मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो वहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्हें आगे चल के सब कुछ सही होता हुआ लग रहा है, और उनके टारगेट अच्छे खासे बने हुए हैं शेयर पे अभी भी। लेकिन आपने करा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो गाइस, इससे नीचे मुझे भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, शेयर बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल्स पे है और पहले से ही गाइडेंस नेगेटिव हो गया। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव आता है या नेगेटिविटी में कमी आती है तो काफी ज्यादा तेज भाग सकता है शेयर, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं बाय इनिशिएट करना चाहिए। टाटा मोटर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं आपको देखा जाए तो, और शेयर आपको पता ही है हाई भी टाइम, एक ही दिन में 5-10% चढ़ जाता है, एक ही दिन में गिर भी जाता है, लेकिन यहाँ से गिरने की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है। लेकिन ऊपर के लेवल में काफ़ी ज़्यादा लेवल बन खुल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है काफ़ी ज़्यादा। आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके आप बाय करिए जैसे जैसे नीचे मिले, बट मुझे लगता है शेयर 300 से नीचे या 288 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ से नीचे आता है तो काफ़ी 250 तक के लेवल भी आ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है इतना कोई फॉल आने वाला, जो कि जितना रिएक्शन था मेरे हिसाब से पहले दिन दिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर तीसरे दिन फिर से गिर गया है। अभी आपने देखा पूरे दिन शेयर यहीं पे 305, 306, 308 पे ट्रेड होता रहा है, तो मुझे लगता है इससे नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपकी ऊपर की लेवल की पोजीशन है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के अपने शेयर को एवरेज जरूर करें, क्योंकि अगर शेयर बाउंस बैक मारता है 330-340 तक तो आपका लेवल आ जाए, एवरेज हो जाए, तो आपकी पोजीशन जो है लॉस से इनफैक्ट न्यूट्रल तो हो ही जाए, तो आप काट भी सकते हैं चाहें तो, या पोजीशन कम कर सकते हैं। बट अभी आप अपना लॉस बुक बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे खड़ा है, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, क्योंकि अभी डरने का नहीं, अभी बाय करने का टाइम है। जब सेल करने का टाइम था तो आपके मन में लालच आया और आपने बाय करा, जिसका अभी आप भुगत रहे हैं नतीजा। तो ऐसे में आपको फ्रेश एंट्री बनाने का भी मौका दे रहा है शेयर SL के साथ। प्रॉपर SL जरूर फॉलो करें, क्योंकि कुछ भी हो रहा है बहुत तेज हो रहा है जो भी हो रहा है टाटा मोटर्स में। और दूसरी पॉजिटिव बात जो है
मार्केट जो है मुझे लगता है मंडे यानी कल के दिन काफी हायर लेवल्स पे खुलनी चाहिए, क्योंकि डाउ जोन हमने देखा 400 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, और जिसकी वजह डाउ जोन डाउन हुआ था तभी हमारी मार्केट गिरी थी, तो अभी वहां से सपोर्ट मिल गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर आते हुए दिखेगी मार्केट, काफी ज्यादा ऊपर खुल सकती है। और निफ्टी के संग चलने वाला शेयर है, मूवमेंट देगा तो बड़ी मूव आ सकती है शेयर में भी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बाय करा था 300 के SL के साथ शेयर, कहीं ना कहीं मुझे बाउंस बैक देता हुआ लग रहा है 315 से 320 के लेवल्स तक। तो ये तो शॉर्ट टर्म है बिल्कुल, लेकिन पोजीशन जिनकी ऊपर की है उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप बने रहिए, कहीं ना कहीं शेयर ऊपर आने की ज्यादा क्षमता रखता है यहां से, तो आप प्रॉपर SL के साथ बाय करके जा सकते हैं टाटा मोटर्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 315 to 320 फॉर शॉर्ट टर्म। फॉर लॉन्ग टर्म यू कैन बाय शेयर एट दिस प्राइस एंड योर टारगेट में भी 345, 350 और मे बी 360। तो ये मेरी वीडियो टाटा मोटर शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।